हेलो गाइस क्लासरूम फ्लाइट वापस से अपने सीजन थ्री के साथ आप लोगों का ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं आपको सीधे कहानी पर ले चलता हूँ तो एपिसोड वन की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाई स्कूल के सारे बच्चे एक पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं जहाँ क्लास डी की टीचर उन्हें बताती है की अब वो क्लास डी से क्लास सी में प्रमोट हो गए हैं सभी स्टूडेंट पहाड़ी इलाके में इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनका अगला एग्जाम वही होना था इसका नाम था ट्रेनिंग कैंप ये एग्जाम लगभग एक हफ्ते तक चलना था और इस एग्जाम के चलते क्लास ए बी सी और डी के स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में बटना पड़ेगा और ग्रुप में आए गए नंबरों के हिसाब से ही टॉप फोर ग्रुप्स के चार फाइनल एग्जाम होंगे जिसमे फर्स्ट पोजिशन वाले को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और फोर्थ पोजिशन वाले को सबसे कम एपिसोड में आगे एग्जाम की बताई हुई लोकेशन आरोप सभी स्टूडेंट पहुँच जाते हैं वहाँ पहुंचते ही सेकेंड ईयर का स्टूडेंट नागूमो थर्ड ईयर के स्टूडेंट मानव को चैलेंज देता है जिसमे उन्हें इस एग्जाम में एक दूसरे से, से ज्यादा स्कोर करना था और दोनों में से जो इस चैलेंज को हारेगा वो अपनी इज्जत गवाएगा मानव नागूम के इस चैलेंज को बिना किसी झिझक के एक्सेप्ट कर लेता है इसके अगले ही पल सभी स्टूडेंट अपनी डेस्टिनेशन पर जाने लगते हैं पर चूंकि उनके रहने का इंतजाम एक माउंटेन पर था इसलिए उन्हें वहाँ चढ़कर जाना पड़ता है वहाँ पहुँचते ही सभी स्टूडेंट नौ नौ के स्टूडेंट्सों के ग्रुप में बट जाते हैं और एनो कोचि जिस ग्रुप में था उन्हें वहाँ एक प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है और वो थी छोटे रूम की छोटा रूम होने की वजह से अपने पसंद की जगह हथियाने लगता है और तो और वो उनके लीडर युकीमोरा की बात तक नहीं मानता वो युकीमोरा को धमकी दे ही रहा था तभी वो को उसके बगल में खड़ा देख लेता है जिससे उसे पास्ट याद आता है जिसमे आयनोकोजी ने उसे बुरी तरह पीटा था पास्ट को याद कर इचीजा की शांत खड़ा हो जाता है कि तभी रूम के सेंटर में गद्दे लेकर कूदता है और स्टाइलिश तरीके में बीच की जगह को अपना बताने लगता है जिस पर अनुकोजी मनी में कहता है कि एकमात्र उस कई क्लास के स्टूडेंट्स ऐसे है जो दूसरों के साथ घुल मिलने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे खैर इस सभी के बाद सभी स्टूडेंट डिनर करते हैं जहाँ आयन ओ कोजी इचिनोजे से उसके हाल चाल पूछता है इचिनोजे उसे बताती है कि वो थोड़ा थक गई है क्योंकि उसे दूसरे ग्रुप में फिट होने की वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है मैं आप लोगों को बता दूं डिनर करने का ये टाइम ही एकमात्र ऐसा अवसर है जिसमे अदर ग्रुप के स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर सकते हैं और यही बात इचिनोजे आयन को बता रही थी इचिनोजे आयन को बाय कहकर चली जाती है क्योंकि उसे उसकी क्लास की गर्ल्स बुला रही थी चिन्होजे के जाने के बाद अयन कोजी कुशिडा और हो रिकिता को देखता है जो की एक साथ बैठ अपनी क्लास को जिताने की प्लानिंग बना रही थी होरी किता इस बार भी क्लास डी की लीडर है और उसने बस में ही कुशिडा को अपना सब लीडर चुन लिया था कुशिडा को समझा रही थी कि भले ही उन दोनों के बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो लेकिन उन्हें क्लास डी की भलाई के लिए एक साथ काम करना चाहिए इस एग्जाम के दौरान हो रिकता और कुशिडा एक ही ग्रुप में थे इसलिए कुशिडा हो रिकिता से पूछती है की क्या वो जान पूछ उसके ग्रुप में आई है उस पर नजर रखने के लिए इस पर हो रिकता उसे बताती है की वो उसके साथ इसलिए है क्यूँकी पूरी क्लास डी की सभी गर्ल्सों में कुशीडा ही एकमात्र है जो काफी इंटेलिजेंट है और इसी वजह से हो रिकता ने उसे अपना सब लीडर चुना कुशीडा वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि हो रिकता भले ही कितना भी ट्राई करे पर उसके और हो रिकता के बीच में रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं होंगे इसके बाद हम देखते हैं की एनोकोजी और उसके ग्रुप के स्टूडेंट अचानक ही अर्ली मॉर्निंग एक वायलिन की आवाज की वजह से उठ जाते हैं जो की और कोई नहीं बल्कि कोइनजी बजा रहा था वो भी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए इचिजाकी उसे गुस्से में कहता है की वो हर बार अपनी मनमानी नहीं कर सकता इचीजाकी वहाँ सीन क्रिएट करने ही वाला था की तभी हाशी मोटो रोक देता है ये कहकर की अगर वो कोइंजी से लड़ता है या फिर उनके कमरे का कोई सामान टूटता है तो इंस्ट्रक्टर्स उनके ग्रुप के पॉइंट्स काट लेंगे हाशी की बात सुनकर इचिजागी रुक जाता है इस सबको देख अनुकोजी मनी में कहता है कि हाशी की लीडरशिप कमाल की है क्योंकि वो आखिरकार अरिशु का कंपेनियन जो ठहरा इसके बाद सुबह होते ही हम सभी स्टूडेंट्स को साफ सफाई और मेडिटेशन करते हुए देखते हैं जो कि इस जंगा का एक स्ट्रिक्ट रूल था अगले सीन में हम इचिनोजे के ग्रुप को देखते हैं जो कि सीढ़ियों पर रनिंग करते हुए पहाड़ी के ऊपर जा रहा था ऊपर पहुंचते ही होरी रिकता की क्लास की स्टूडेंट जिसका नाम वांग है बहुत थक जाती है जिस पर सीना उसे समझाती है की अगर वो दूसरों के साथ नर्वस फील करेगी तो वो और ज्यादा थकेगी और तभी इचिनोजे कहती है इसलिए उसे गबराहट दूर करते हुए इस नए ग्रुप में नए दोस्त बनाने चाहिए वांग उनकी बात समझ जाती है और दोस्ती की शुरुआत उन दोनों से ही करती है जिसमें वो उन दोनों को उसके असली नाम मी से बुलाने को कहती है शाम होते ही यम यामाउची और एके को देखते हैं जो कि गलती से एक लड़की को गिरा देते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि थी नागे को गिराने के बाद यामाउची उससे तुरंत माफी मांगता है शाखा नागी ना माने और उल्टा अपोलोजाइज कर वो वहाँ से चली जाती है जब वो बाहर जा रही थी तभी उसे अयन कोजी मिल जाता है जो उससे पूछता है की उसे कुछ हुआ तो नहीं जिस पर शाकुया नागी कहती है की वो बिल्कुल ठीक है शाकुया नागे से ये सुन आयनो आयनुकोजी वहाँ से जाने लगता है वो वहाँ से जा ही रहा था की शाकया नागी कहती है की अभी वो आयनोकोजी की क्लास को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी क्योंकि उसका पहला टारगेट क्लास बी है जिसमे वो इच्चिनोजे पर ज्यादा फोकस कर रही है क्यूँकी उसके पास लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट पॉइंट है समझाता है की इस्तेमाल नहीं करेगी जिस पर शागया नागी ये कहकर वहाँ से चली जाती है की हर इंसान के दो पहलू होते हैं इसके बाद अगले सीन में हम आयानु कोजी और कारूजावा को एक साथ देखते हैं अयानो कोजी ने कारूजावा को यहाँ कुछ लोगों पर नजर रखने के लिए बुलाया था उन लोगों के नाम सुनने के बाद कारुजावा कहती है कि ये काम कठिन होगा लेकिन फिर भी वो ट्राई करेगी कारूा का जवाब कोजी कहता है कि यह एग्जाम कठिन होने वाला है अगले दिन कोजी में की जवाब वाली चिट्ठी को उठाता है और चिट्ठी पढ़ने के बाद सोते समय लगभग आधी रात को सोचने लगता है की सबसे पहले तो आयलैंड एग्जाम जीतने के लिए उसने हो रिका की जंगा खुद को लीडर बनाया उसके बाद उसने क्रूसशिप टेस्ट में फोन की अदला बदली की स्पोर्ट फेस्टिवल में उसने बिना किसी झिझक के दौड़ लगाई और एग्जाम के दौरान कुशीडा को फसाया लेकिन इस बार और तभी आयनुकोजी बाहर चला जाता है और तभी हम वहाँ मानवो को खड़ा देखते हैं यानी इस बार आयनुकोजी मानवो के साथ काम करने वाला था थाजी से अपना पुराना फेवर वापस मांगने आया था जो की रीण से लड़ने से पहले आयनुकोजी पर किया था आयनुकोजी को के अगेंस्ट जाने को कहता है इस पर आयनुकोजी उसे कहता है की इस काम में बहुत खतरा होगा और ऊपर से उसके पास इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी है इस पर मानवो उसे एक नाम के स्टूडेंट से मिलाता है किरियामा नागुमो की क्लास का एक स्टूडेंट था जो कि मानु को इन्फॉर्मेशन देने का काम करता था क्रियामा साफ साफ कह देता है कि उसे आयनोकोजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है लेकिन वो सिर्फ मानव के कहने पर उसे इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगा क्रियामा उन्हें यह भी बताता है कि सिर्फ नागुमो की वजह से बहुत से स्टूडेंट एक्सपेल हो सकते हैं क्रियामा की बात सुनने के बाद आयनोकोजी को से पूछता है की उसके और नागुमो के बीच सिचुएशन अभी कैसी है जिस पर मानव उसे बताता है की प्रेजेंट की तरह अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो उसे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके जवाब में आयनोकोजी उसे कहता है क्या होगा अगर नागुमो गेम में किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर ले इस पर मानवो आयनुकोजी से कहता है की नागोम अपने वादे का पक्का है और वो वन और वन ही लड़ेगा ये कहकर मानु वहाँ से जाने लगता है मानवो के जाने के बाद आयनुकोजी कहता है की इस बार शायद मानव हार सकता है और ये कहकर आयनुकोजी अपने कमरे में चला जाता है और इसी के साथ पहला एपिसोड यही खत्म होता है